लव्यांश है आपसे मिलने के लिए आज। हाँ तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, तो बाहर हम लोग आए हुए हैं ग्राउंड में यथार्थ को घुमा रहे हैं। साथ ही साथ मेरी फ्रेंड नेहा भी आई हुई है, उसका बेबी भी है, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको ले लेती हूँ, तुम यथार्थ को स्टॉल में घुमा लो। तो बस हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं। मतलब ये होता है ना कि बच्चों को थोड़ी सी फ्रेश एयर मिल जाए तो अच्छा रहता है, वैसे ज़्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है बाहर आने का। तो हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं बाहर, थोड़ा सा घूम आते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बाहर इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, इतनी तक गर्मी सी है कि क्या बताएं, कि ऐसा लगता है कि घर पे ही बैठे रहो, बट फ्रेश एयर लेना भी थोड़ा ज़रूरी है। तो इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को लेके आ गए बाहर घुमाने के लिए। हाय, कहाँ चला गए? हमने कुछ नहीं किया। क्या बोला? हमने कुछ नहीं किया, कुछ कहीं नहीं यार, हमने कर लिया। तो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है। एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारी चाची हैं, उनकी जो छोटी सिस्टर हैं, उनकी बेटी घर पे आई हुई थी, तो बस उसका ही बर्थडे सेलिब्रेशन था। आपने व्लॉग में हमारे ऑलरेडी उसको देखा भी होगा। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे डिनर वगैरह कर रहे हैं। यथार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जब भी वो खाना आता है, उसको लगता है मैं सब खा लूँ, बट जब भी हम उसको कुछ खिलाते हैं ना, तो बस वो थोड़ा बहुत एक दो बाइट ले कर फिर छोड़ देता है, और एक जगह भी वो रहता नहीं है। और उसको फीवर आता है ना, तो बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया है। बाय बेटू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू टी, थैंक यू टी, मेरा बच्चा। बेटू ड्रॉर नहीं ओपन करो, ये देखो इनको ड्रॉर ओपन करना जिस दिन आ गया ना, उस दिन मेरा सामान ही बचने वाला है। कम हियर, कम हियर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मिल्क और ब्रेड लिए रखी है। तो एक्चुअली क्या है ना कि प्राडो खाना देना है, साथ ही साथ स्ट्रीट डॉग्स हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, उनको भी हम खाना देते हैं। तो मतलब बाउल्स वगैरह में अलग अलग निकाल निकाल के दे देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे दिया है हमने प्राडो को, और अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी। ये तारक ना यहाँ पे हंस रहा है, मैं फेस वॉश करके आई हूँ। मैं आज आपको बहुत ही अच्छा से एकदम ग्लोई मेकअप दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में। और मैं ये इसलिए आपको दिखाने वाली हूँ कि आपको कई बार पूछते हो कि आपका जो फेस है ना, कई बार बहुत ज्यादा ग्लो करता है। एक्चुअली प्रेगनेंसी टाइम पे तो मेरा नेचुरल होता था, ग्लो करता है फेस ऑब्वियसली, बट ग्लोइंग मेकअप आप कैसे हम कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे, जो कि है वाटर फ्रेश का हाइड्रेटिंग जेल मॉइस्चराइजर, जिसमें सनस्क्रीन भी है, SPF 50 है। ये बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइजर है। इसको मैंने सेकंड टाइम बाय करा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ये, और मेरी जो पहला वाला बॉटल है वो खत्म हो गया था, मतलब कि ये। सो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाता है। फाउंडेशन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे ये मामा अर्थ का, ये ना ग्लो सीरम फाउंडेशन है, जो कि कमाल का है। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपका जो फेस है वो एकदम ग्लोई लगता है, क्योंकि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है। तो इसका ये मतलब ग्लोई फेस आपको दिखने का ना सबसे बड़ा राज यही होता है। तो आप देख सकते हैं मैं ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। सो मैंने न्यू पैक मंगाया हुआ है, इसका ओल्ड पैक मैं आपको दिखा देती हूँ रहा ये वाला। सो थोड़ा बहुत शेड में डिफरेंस है, बट मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि जो मैं पहले यूज करती थी, मैं आपको वो वाला दिखाती हूँ पीस। सो सबसे पहले हम लिटिल बिट यहाँ पे ये लेंगे, ये देख सकते हैं यथार्थ। यथार्थ अपने टॉयज के साथ में ना खेल रहे हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा बीच में ट्रेड भी हो जाता है मेरे को देख के कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा मेरे को ले ले। तो हमें थोड़ा बीच में अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। हाँ आ रही हूँ अभी, आराम से खेल रहे हैं बट। सो इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। यस, ब्यूटी ब्लेंडर मैंने ले लिया है, बहुत ही अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर है। इसमें यहाँ पे सारी लिपस्टिक लग गया, तो फाउंडेशन से सेट हो गया है। ग्लो स्किन दिखाने के लिए मैं आपको एक हैक देती हूँ कि आप ना वैसलीन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने फाउंडेशन लगाया उसके ऊपर से आप थोड़ा सा वैसलीन लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी मेरी जैसी ड्राई स्किन है इस वजह से। सो देख सकते हैं, तो कई बार होता है ना कि आपका जो फेस है वो ड्राई हो जाता है, और आपका जो फाउंडेशन है बहुत केकी केकी सा लगने लगता है, तो उससे क्या होता है स्किन आपकी और भी ज्यादा ग्लो करती है। लिप्स पे हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये मैंने मंगवाया हुआ है शुगर का, ये पॉप शुगर पॉप का ये लिप बाम, जो कि बहुत अच्छा है, नरिशिंग लिप बाम, और 06 स्ट्रॉबेरी इसका शेड है। तो एक्चुअली मैं इसका सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो। सो इसको ओपन करते हैं, इसको मैंने फर्स्ट टाइम बाय करा हुआ है।
एक्चुअली मैंने इसको यूज तो करा हुआ था क्योंकि मेरे सिस्टर लॉ के पास में ये वाला लिप बाम है, बट मैंने सोचा कि चलो इसको मैं ट्राई करती हूँ इसका दूसरा शेड मंगा के। सो यस, देख सकते हो बड़ी क्यूट सी कमाल सी पैकेजिंग है इसकी। आई वाओ, सो क्यूट सी। सो अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लेते हैं। बटरी सॉफ्ट है और इतना प्यारा सा शाइन दे रहा है और बहुत ही प्यारा सा नेचुरल सा कलर है, आप देख सकते हैं। मतलब काफी ग्लॉसी ग्लॉसी लिप्स लग रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि अगर आपको डेली बेस पे ना लिपस्टिक वगैरह नहीं अप्लाई करनी है तो आप इसको जरूर कर सकते हैं। यथार्थ यथार्थ की डैडी यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और मेरे को वीडियो भी नहीं शूट करने दे रहे हैं। सो ये देख सकते हैं, ये रहा मेरा ग्लोई मेकअप लुक जो कि बहुत ज्यादा ईजी था, बहुत ज्यादा कम प्रोडक्ट के साथ में था। बाय द वे, ये सारे जो प्रोडक्ट मैंने यूज करे हुए हैं मैंने अमेज़न से बाय करे थे, मेरे अमेज़न स्टोर का लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलो आ जाओ यथार्थ, हम लोग घूमने करने चलते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, आज यथार्थ को घुमाने के लिए जा रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। हाँ, और पता है यथार्थ ना अभी हो गया है कि यथार्थ स्ट्रेंजर्स के पास में अब नहीं जाता है, अभी इन्होंने एक न्यू चीज सीखी हुई है, अभी इनको कोई लेता है जैसे तो ये मतलब जल्दी जाते हैं, है ना। और मैं पता है आज मेरी थोड़ी तबियत ठीक नहीं है, पर ये है ना बाहर से कहते चलो इसलिए चलते हैं घुमाने के लिए। बेटू पापा का क्या लगता है? हाय विशाल भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। एक्चुअली घर पे निकलने से पहले ना हमारा प्लान कुछ और था कि हम लोग जा रहे हैं आज कैफे कॉफी पीने के लिए, पर एंड मतलब लास्ट मोमेंट में एक्चुअली क्या हुआ कि लेट हो गए थे ना, तो फिर ये सोचा कि चलो डिनर करके आते हैं, तो बस हम लोग डिनर करने के लिए आ गए, साथ ही साथ साथ में विशाल भी को भी पिक कर लिया। सो बस अभी हम लोग यहाँ पे आ गए। यथार्थ की ना सच में इतना ज़्यादा शरारती हो गया, इतनी ज़्यादा मस्तियाँ करता है, अगर आपको इसकी मस्तियाँ देखना है तो आप लोग जाके इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं यथार्थ तोमर के नाम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ऐसी बन के आ गई थी, तो फिर मैं अपने बाल थोड़े ठीक कर रही थी कि अभी रेस्टोरेंट जाने लायक मैं कपड़े नहीं पहन के आई हूँ, मेरे को लगा हाँ पास में कैफे जा रहे हैं तो अभी चलते। तो हमारा एक्चुअली क्या है ना कि हमेशा कैसे ही है कि एंड मोमेंट में ही ना कुछ ऐसा प्लान बन जाता है। सो चलो कोई नहीं, अभी चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे जो आए ना यार उसका व्यू देखा इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत प्यारा। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे, एक नया रिसॉर्ट खुला हुआ है जो बहुत ही अमेजिंग है, फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पूल एरिया है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो मतलब दिल खुश आ गया देख के, पार्टी चल रही थी। हम आपको देख रहे, आप पता नहीं कहाँ चले गए। अब ये लोग अंदर जाएंगे डिनर करने के लिए। मेला गुंडू गुंडू मेला गुंडू मेला गुंडू मेला गुंडू